सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो ते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। किसानां दे रोह नू वेख कैप्टन ने पिंडां लई खोलिया खजाना, कीते वड्डे ऐलान। जी हां, दस दईए कि खेती कानूनां खिलाफ किसानां दे रोह ने मोदी सरकार दे नाल नाल पंजाब सरकार दी वी नींद उड़ा दित्ती है। किसानां दे धरनियां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ भी गुस्सा वेखिया जा रहा है। अजिहियां रिपोर्टां आउण मगरों कैप्टन सरकार ने पिंडां लई कई ऐलान किते हन तां जो चोणां तों पहलां लोकां दे शिकवे दूर किते जा सकण। इसे कड़ी तहत पंजाब विच स्मार्ट विलेज अभियान छेड़िया गया। इस तहत ग्राम पंचायतां विच 327 करोड़ रुपए की लागत नाल 17,440 विकास कार्य शुरू कर दिते गए हन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 17 अक्टूबर नूं स्मार्ट विलेज मुहिम दे दूजे गेड की शुरुआत की सी। इस मुहिम तहत 48,910 विकास प्रोजेक्ट कुल 2,775 करोड़ रुपए की लागत नाल पूरे किते जा रहे हन। इस मुहिम दौरान हर घर पक्की छत ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस तहत पेंडू खेतरां दे गरीबां नूं रहण लई घर दिते जाणगे। पेंडू खेतरां लई 750 स्टेडियम बनाए जाणगे। दसवीं पास लई निकलियां सरकारी नौकरियां, नहीं होएगा कोई टेस्ट, इंज करो अप्लाई। जी हां, दस दईए कि भारतीय डाक विभाग तहत झारखंड पोस्टल सर्कल ते पंजाब पोस्टल सर्कल विच पेंडू डाक सेवकां दी 1634 भर्तियां निकलियां हन। झारखंड पोस्टल सर्कल विच 1118 वैकेंसियां ते पंजाब पोस्टल सर्कल विच 516 वैकेंसियां हन। इन्हां अहुदिआं लई ऑनलाइन अर्जियां दी आखिरी तरीक 11 दसंबर 2020 है। इन्हां अहुदिआं लई दसवीं पास उम्मीदवार बिने कर सकदे हन। कोई लिखती परीक्षा नहीं होवेगी। उम्मीदवारां दी चोण मैरिट दे आधार ते होवेगी। मैरिट दसवीं विच प्राप्त अंकां दे आधार ते बनेगी। जेकर किसी उम्मीदवार कोल उच्च विद्या है तां इह कोई मायने नहीं रखदा, सिर्फ दसवीं दे नंबर ही चोण दा आधार बणनगे। पेंडू डाक सेवक दी इस भर्ती दे तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक दे अहुदे भरे जाणगे। केंद्री सरकार नाल मीटिंग लई दिल्ली पहुंचे किसान, सरकार सामने रखी एक होर वड्डी मंग। जी हां, दस दईए कि केंद्र सरकार दे खेती सुधार कानूनां दा विरोध कर रहे पंजाब दे किसानां दीआं 30 जथेबंदियां दे लीडर अज केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते खुराक ते सिविल सप्लाई ते रेल मंत्री पीयूष गोयल नाल मीटिंग करनगे। मीटिंग विच शामिल होण तों पहलां किसान जथेबंदियां ने साफ आख दित्ता है कि खेती सुधार कानूनां बारे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह कानून रद्द किए जाण। इसलिए तय है कि मीटिंग विच गल किसी तण पत्तण लगन दे असार नहीं। इस दे नाल ही किसानां ने केंद्र सरकार अगे एक होर मंग रखी है। किसानां दा कहना है कि पराली साड़न विरुद्ध लियांदे गए कानून नूं भी वापस लिया जावे। दस दईए कि पिछे जिहे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेतर विच प्रदूषण रोकण लई केंद्र सरकार ने एक आर्डिनेंस राही वड्डा कानून लियांदा। इस अधीन उत्थे प्रदूषण फैलाउण वालियां खिलाफ सख्त सजा दी व्यवस्था है। पराली साड़न कारण भी इह प्रदूषण हो सकदा है। दिवाली तोहफा, पबजी मुड़ लॉन्च की तैयारी, हो चुकिया है अधिकारिक ऐलान। जी हां, दस दईए कि दिवाली तो ठीक पहला पबजी खेडण वालियां दे लई चंगी खबर आ रही है। पबजी दी पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने इसका अधिकारिक ऐलान कर दिता। भारत चीन विवाद दे बाद केंद्र सरकार दे पबजी समेत 224 चीनी ऐप ते बैन लगा दिता सी। भारत सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A दे तहत इस ते बैन लगाया सी। सीटेक साइट टेलीकॉम टाक मुताबिक पबजी कारपोरेशन ने ऐलान किया है कि कंपनी जल्द पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करेगी। पबजी मोबाइल इंडिया सिर्फ भारत दे यूजर दे लई वख तो तैयार किया जा रहा है। पबजी दे सारे फीचर इस विच पहला तो ही ने, पर गेम दा सर्वर भारत विच ही रहेगा। टेक वैबसाइट बिजनेस इनसाइडर मुताबिक पबजी ने भारतीय यूजर्स दे डाटा नूं प्रोटेक्ट करन दे लई माइक्रोसॉफ्ट दे क्लाउड सर्विस अजूरो नूं चुनिया। पबजी दी पेरेंट कंपनी क्राफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट दे नाल एक नवे प्रोजेक्ट दे लई हाथ मिलाया। डेटा प्राइवेसी अते सिक्योरिटी ते भारत सरकार दे नियमां दे हिसाब दे नाल सेटअप तैयार किया गया है ताकि यूजर दे डेटा नू देश विच रखिया जावे। खेती कानून खिलाफ डटन लई पंजाब नू मिली वड्डी सजा, बदला लै रही मोदी सरकार। जी हां, दस दईए कि पंजाब दे किसानां ने मोदी सरकार वल्लों लियांदे गए खेती कानूनां दा विरोध की कीता। सरकार तां जिवें पंजाब तों बदला लैण लग पई है। किसानां दे अंदोलन कारण केंद्र सरकार पंजाब विच बीते डेढ़ महीने तों माल गड्डियां ते यात्री रेलां नहीं भेज रही। इसे करके सूबे विच कोला नहीं पुज रहा ते बिजली प्लांट पूरी तरह बंद हो गए हन। हालात नित विगड़दे जा रहे ने, पर केंद्र सरकार जिद उत्ते अड़ी हुई है कि किसान पटड़ियां खाली करन, तद ही माल गड्डियां पंजाब आउण दी प्रवानगी दित्ती जावेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार आख चुके हन कि माल गड्डियां जेड़ी पटड़ी उत्ते जाणगियां उत्थे उन्हां दी सरकार पूरी सुरक्षा देवेगी, पर रेल मंत्री पीयूष गोयल इस लई तैयार नहीं हन। सूबा सरकार ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਡੀਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਝਟਕਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਧੂੰਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਪਰਤ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇਗੀ।
कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलने संबंधी हदायतां जारी। 50% विद्यार्थियों नाल शुरू होणगियां क्लासां। जी हां, दस दईए कि कोरोना महामारी तो बाद UGC वालों देश भर विच कॉलेज अते यूनिवर्सिटियां खोलण दी मंजूरी दे दित्ती गई है। इस दे चलदिआं पंजाब विच 16 नवंबर तो कॉलेज अते यूनिवर्सिटियां खोलियां जा रहियां हन। इस संबंधी पंजाब सरकार वालों हदायतां जारी कीतियां गईआं ने। नवीआं हदायतां मुताबिक क्लासां विच 50% विद्यार्थी ही मौजूद रहणगे। इस तों इलावा होस्टल विच रहण वाले विद्यार्थियों लई भी हदायतां जारी कीतियां गईआं हन। होस्टल विच इक कमरे विच इक ही विद्यार्थी रह सकेगा। हदायतां मुताबिक पहले दौर विच फाइनल क्लास दे विद्यार्थियों नूं ही कॉलेज यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। इस दे नाल ही कॉलेज अते यूनिवर्सिटी दे स्टाफ लई कोरोना वायरस दा टेस्ट लाजमी होवेगा। कॉलेजां विच कोरोना संबंधी सरकार वल्लों जारी नियमां दी पालना यकीनी बनाई जाएगी। इस दौरान समाजिक दूरी, मास्क पाउणा, सैनेटाइजर दी वरतों आदि नियमां दा खास ख्याल रखिया जाएगा। त्योहारां दे मौसम विच सोने दीआं कीमतां विच उछाल, जाणो अज दे भाअ। जी हां, दस दईए कि त्योहारां दा सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान सोने चांदी दीआं कीमतां विच भारी उछाल वेखण नूं मिलिआ। दस दईए कि बीते दिनी घरेलू फ्यूचर्स मार्केट विच हफ्ते दे आखरी कारोबारी दिन सोने दीआं कीमतां विच तेजी आई, जदों कि चांदी दीआं कीमतां विच गिरावट देखण नूं मिली। पर अज दे मुताबिक सोने दीआं कीमतां विच वाधा दर्ज कीता गिआ। MCX दे एक्सचेंज ते दसंबर फ्यूचर्स गोल्ड दीआं कीमतां शुक्रवार सवेरे 0.18% यानी करीब 90 रुपए दी तेजी नाल 50,690 रुपए प्रति 10 ग्राम ते ट्रेंड करन लगियां। इस तों इलावा 5 फरवरी 2021 नूं सोने दा भाव 0.22% यानी 112 रुपए दी तेजी नाल 50,785 रुपए प्रति 10 ग्राम ते रुझान ते पहुंच गया। चांदी दी कीमत दी गल करिए तां घरेलू फ्यूचर्स मार्केट ने शुक्रवार सवेरे चांदी दीआं कीमतां विच गिरावट नजर आई। MCX ते शुक्रवार सवेरे दसंबर वायदा दी चांदी दीआं कीमतां 219 रुपए दी गिरावट नाल 62,520 रुपए प्रति किलोग्राम ते ट्रेंड करदीआं नजर आईआं। विदाई तो पहला डोनाल्ड ट्रंप ने चीन नूं दिता है वड्डा झटका, लिया वड्डा फैसला। जी हां, दस दईए कि अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस तो विदा होण तो पहला चीन दे खिलाफ इक होर वड्डा फैसला लिया। ट्रंप प्रशासन ने इक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिस विच चीनी कंपनियां विच अमरीकी निवेश उत्ते पाबंदी लगाई गई सी। आदेश दे अनुसार अमरीका अजिहियां चीनी कंपनियां विच निवेश नहीं करेगा जो कि चीनी फौज नाल किसी भी तरह जुड़े हुए हन। यह कदम अमरीकी निवेश फर्मा, पेंशन फंडा अते होरां नूं कत्ती चीनी कंपनियां दे शेयर खरीदण तों रोकण लई लिया गया है, जिस नूं रक्षा विभाग ने चीनी सैनिक सहायता प्राप्त कंपनियां करार दिता। मन्निया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दे इस फैसले कारण चीन नूं बहुत नुकसान होवेगा। दोस्तो, जे तुहानूं इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्यवाद।